इसी वन देखिए, कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को टी पर प्रतिशित करते हैं। पहले मैं एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं बिंदु P दे देता हूँ, इधर कहीं पे Q दे देते हैं, यहाँ R दे देते हैं और यहाँ पे कहीं S दे देते हैं और इनको मिला देते हैं, तो यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा ना। चलिए यहाँ आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया और जिसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए तो ये विकर्ण मैं मिला दे रहा हूँ, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, टी पर काट रहे हैं, ठीक है। ये आपका बिंदु टी देता हूं। यदि कह रहा है कि एस क्यू आर, ध्यान से देखो, एस क्यू आर यह वाला कोण 70 डिग्री है, एंगल क्यू पी ई 30 डिग्री है, क्यू पी आर सॉरी क्यू पी ई मैंने कह दिया था, क्यू पी आर 30 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस कहा गया, क्यू आर एस इसका मान पहले बताना। तो अगर बात करूं ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा और इन दोनों का योग, और इन दोनों है ना, इन दोनों का योग यानी कि एंगल पी जो होगा और एंगल आर होगा, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा, तो ये निकल नहीं जाएगा। चलिए लिखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी भी और भी कुछ निकालना है उसको बाद में देखा जाएगा। पहले दिया क्या है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है। अच्छा, और एंगल वो विकर्ण वाला छोड़ो ना, एंगल एस क्यू आर बराबर में 70 डिग्री, एंगल क्यू पी आर बराबर में 30 डिग्री एंगल, तो हमें क्या निकालना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस। और फिर कह रहा है कि फिर यदि पी क्यू पी पी क्यू क्यू आर के बराबर हो, पी क्यू क्यू आर के बराबर हो, तो हमें एंगल टी आर एस भी निकालना है, एंगल टी आर एस यानी कि यह वाला कोण क्या होगा, यह भी हमें निकालना होगा। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, चलिए इसी में लिख देता हूं, यदि पी क्यू बराबर क्यू आर हो तो एंगल टी आर एस क्या होगा, यह भी हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसका हल देखो, यहां पे एंगल एस पी आर बराबर में एस पी आर यानी कि यह वाला कोण बराबर हो जाएगा एस क्यू आर के, एंगल एस क्यू आर के एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण, एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण है, इसलिए यह बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि एंगल एस पी आर जो होगा 70 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री हो गया, इन दोनों को मिला दें तो एंगल पी निकल जाएगा ना, यानी कि एंगल क्यू पी एस, पी का मतलब क्यू पी एस मैंने लिख दिया, तो क्यू पी एस निकालने के लिए एंगल एस पी आर और प्लस में एंगल क्यू पी आर जोड़ना होगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ना जी। तो यहां 70 डिग्री है और यह आपका दिया है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो दोनों मिला देंगे तो यहां से एंगल क्यू पी एस जो होगा वह आ जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो यह जब टोटल मिला के 100 डिग्री हुआ और इन दोनों का योग हमें पता है 180 होता है, तो निकल नहीं जाएगा, एंगल क्यू आर एस और प्लस एंगल क्यू पी एस बराबर में 180 डिग्री है ना। हम लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे बात करूं क्यू आर एस की, तो क्यू आर एस तो हमें निकालना है, क्यू आर एस हमें निकालना है और क्यू पी एस यहाँ पे 100 है, ये उधर जाके घट जाएगा ना, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू बराबर में है क्यू आर, देखिए आगे, तो हमें टी आर एस निकालना है। चलिए दिखाते हैं, टी आर एस यानी कि यह एंगल निकालना है, तो पी क्यू क्यू आर के बराबर यह दिया है,
तो अगर यह दिया हुआ है यह इसके बराबर, तो यह दोनों कोण बराबर होंगे ना, यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल जो आपका यह QPR है, QPR वह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QRP के, एंगल QRP के लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां से एंगल QRP जो आएगा वो अभी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और हमने, चूंकि हमने निकाला है ऊपर एंगल QRS बराबर में 80 डिग्री, QRS 80 निकाला, तो यह इस कोण और इस कोण दोनों से मिलकर बना है, तो मैं इसे एंगल QRP, देख लो QRP और प्लस में एंगल SRT या PRS भी लिख सकता हूं, एंगल PRS भी लिख सकता हूं, बराबर में 80 डिग्री, समझे ना। QPR दिया है हमारे पास, QRS दिया हुआ है हमारे पास ऊपर, हमने निकाला है ना, निकाला था अभी, QRS दिया हुआ है, तो ये इस कोण और इस कोण को मिलाने से बना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल QRP और प्लस एंगल PRS दोनों को मिला के ये पूरा हो जाएगा ना। चलिए तो अभी देखो, अगर मैं बात करूं QRP की तो वो 30 डिग्री है, और मैं यहाँ पर एंगल PRS को TRS भी लिख सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी, TRS भी लिख सकता हूँ, बराबर में 80 डिग्री, एक ही बात है, ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल TRS जो होगा 50 डिग्री आ जाएगा, TRS 50 डिग्री आ जाएगा। हमने TRS भी निकाल दिया और एक और कोण निकालना था QRS, वह भी निकाल दिया, दोनों निकल गया ना, समझ गए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आपको हमारे तीन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। इनो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां जाके आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।